हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कॉम्पिटिशन कोचिंग। और मैं आपसे अभी जो बात कर रहा हूँ ग्रुप डी की सैलरी के बारे में, तो अभी इसमें मैं क्या बात करूँ, इससे बेहतर है कि ग्रुप डी के स्टाफ से ही बात कर लेते हैं। इनका जो पोस्टिंग है, ये सेंट्रल रेलवे मुंबई में ये पोस्टिंग है और भुसावल डिवीज़न में ये पोस्टेड है। और ये बताइए सैलरी के बारे में, ग्रुप डी का जो सैलरी बनता है वो कौन कौन से स्टाफ के लिए किस रूप में बनता है, सबका अंतर क्या होता है, और किसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, किसको कम सैलरी मिलती है, और कितना मिलता है, स्टार्टिंग में कितना मिलता है, और प्रत्येक साल कितना कितना बढ़ता है। तो हम बात करते हैं संतोष से, यही बताइए। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ रेलवे ग्रुप डी की सैलरी वेतन। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी में कई उसमें पद हैं, जिसमें जिसमें और कई डिपार्टमेंट भी हैं रेलवे में। तो जिसमें कि रेलवे ग्रुप डी की बात करते हैं, रेलवे ग्रुप डी की जिससे मैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन हूँ, हम लोग को एवरेज सैलरी लगभग में 24 प्लस ही रहता है। और जिसका इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग छोड़ के SSC है, उस सबको TA और DA और रिस्क अलाउंस मिला करके 27 प्लस ही रहता है उस सबका पेमेंट। तो इस तरह रेलवे ग्रुप डी की सैलरी है। हाँ, यदि आप जाते हैं, रिलेटेड आपकी पोस्टिंग यदि ट्रैकमैन के रूप में होती है तो आपको 2700 रुपये ज़्यादा मिलता है। ये भी बात कर रहे हैं, ये इससे पहले हम नहीं जानते इसके बारे में। हाँ, ये बात तो सही है। जो जो ट्रैकमैन में जिसका है तो उसको रिस्क अलाउंस के तौर पर गवर्नमेंट उसको 27 रुपये देता है। और साथ साथ जितने भी रेलवे स्टाफ हैं, चाहे ग्रुप डी का हो या ग्रुप ए का जो भी हो, उसको प्रत्येक साल इंक्रीमेंट लगता है, उसके बेसिक के आधार पर इंक्रीमेंट लगता है, और प्रत्येक साल उसका पेमेंट बढ़ते ही जाता है। और इंक्रीमेंट बढ़ने से DA TA जितना भी सब कुछ में बढ़ते जाता है। इस तरह ना करके बहुत ही कम समय में आप अच्छा पैसा इनकम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये महंगाई के इस दौर में, बेरोजगारी के इस दौर में ग्रुप डी भी एक अच्छी खासी सैलरी दे देती है। यानी कि सोचिए कि 25,000 रुपये पर मंथ देती है, यानी कि 1,000 रुपये पर डे, तो एक बेहतर ऑप्शन है ग्रुप डी है, तो एक काफ़ी अच्छा है। और इसके फिर हम आगे की वीडियो में बताएंगे इसका वर्किंग कैसा होता है, काम क्या होता है और कैसे। तो आप लोग को हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये थे हमारे साथ संतोष, सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से। थैंक यू सो मच।